भाग 11। कीर्ति के मन में क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं बता सकता था, लेकिन इतना तो तय था कि वो काव्या को तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन शायद भगवान उसे सुधरने का एक मौका देना चाहते थे। नाश्ते के बाद ऋषि को किसी का कॉल आया। बात करने के बाद ऋषि थोड़ा टेंशन में लग रहा था, जिसे देख यश ने पूछा, एनी प्रॉब्लम ऋषि? हाँ यश, वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जिस लैंड को हमने फाइनल किया था वो लैंड डिस्प्यूटेड है, और इतनी जल्दी इतनी बड़ी जमीन हमें नहीं मिलेगी, इसीलिए हमें डिस्प्यूट खत्म होने का वेट करना होगा। कितना वक्त लगेगा? करण ने पूछा। 6 महीने शायद, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। हाँ तो ठीक है, हम वेट कर लेंगे, हमें कौन सा जल्दी है। हाँ वेट कर लेंगे। और कोई जा रहा भी नहीं है, ऋषि ने कहा। तभी करिश्मा का फोन बजता है। फोन पर बात करने के बाद करिश्मा ऋषि से बोलती है, ऋषि मेरे ज्वेल हाउस को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, हमें मनाली जाना होगा। ठीक है सामान पैक करो, हम निकलते हैं अभी। कीर्ति जी यहाँ से जाने के नाम पर बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। शाम तक तनीजा फैमिली मनाली के लिए निकल जाते हैं। रात के खाने के टेबल पर यशी कहती है, यश कल मैं बनारस के लिए निकल रही हूँ, आपने जाने का इंतजाम कर दिया है ना? यश ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगी, हम सभी चल रहे हैं, पापा जी का फोन आया था। पर सभी मतलब करण, तू भी साथ चल रहा है? यार यश मैं नहीं, प्लीज इस बार कोई बहाना नहीं, करण मुंह बनाकर कहता है। सभी सामान पैक करने चले जाते हैं। अगले दिन शाम को सभी को निकलना था, तो करण और यश सुबह ऑफिस चले गए ताकि काम निपटा सके। वही घर पर यशी और काव्या की पैकिंग हो चुकी थी। काव्या कुछ सोचकर यशी के कमरे में गई और बोली, भाभी फ्री हो क्या? हाँ बोलो ना काव्या। भाभी आपको पता है करण बनारस क्यों नहीं जाना चाहते? तो तुम्हें ये जानना है? काव्या अपना सर हाँ में हिला देती है। बैठो बताती हूँ, आपकी और भैया की स्टोरी भी सुना दीजिएगा। यशी कहना शुरू करती है, मेरे दादाजी को 2 बेटे थे, एक मेरे पापा और दूसरे मेरे बड़े पापा। पापा हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और इसी वजह से बड़े पापा को दादाजी से हमेशा डांट पड़ती थी। बड़े पापा की शादी के बाद जब बड़ी माँ आई तो दादाजी उनके सामने भी बड़े पापा को डांट देते थे, जिस वजह से बड़ी माँ के मन में पापा के लिए नफरत भर गई। पापा की शादी के बाद दादाजी का देहांत हो गया। दादाजी के जाने के बाद बड़े पापा ने लड़कर घर का बंटवारा कर लिया, लेकिन अपने मन की नफरत को ना खत्म कर सके। वो हमेशा मेरे और उनकी बेटी मोनिका को कंपेयर करते, जो मैं करती वही उसको भी करवाते। सब ठीक ही चल रहा था, एक बार हमें पता चला कि बड़े पापा अपने पास पड़ी दादाजी की जमीन को बेचना चाहते हैं, लेकिन ये बात पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तय किया कि वो उस डीलर से बात करेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर पापा की तबीयत खराब हो गई और उनकी जगह मैं चली गई। मैंने उसे सारी बात बताई। आखिर में उसने मुझसे पूछा, आपकी शादी हो चुकी है? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दें, मैं जमीन के कागज भिजवा दूंगा। मैंने एड्रेस दिया और घर आ गई। अगले दिन वो आदमी घर आया, लेकिन अपने भाई के साथ। उसने कहा, मैंने आपको आपकी जमीन लौटा दी, लेकिन उसके बदले मुझे आपसे कुछ चाहिए। पापा ने पूछा, क्या? तो वो बोला, आपकी बेटी। ये सुनकर पापा गुस्सा हो गए, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले वो लड़का बोला, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए फिर कुछ कहिएगा। मेरी फैमिली में मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे भाई से कर दें, वो बहुत खुश रहेगी। और कहते हैं भाभी माँ का रूप होती है, और इसमें मेरा बहुत बड़ा फायदा है, मुझे भाभी भी मिलेगी और माँ भी। प्लीज अंकल मना मत कीजिएगा। तो पापा ने कहा, पहले दोनों को बात कर लेने देते हैं। जब हम दोनों कमरे में गए तो वो लड़का बोला, मेरे लिए मेरा भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप शादी नहीं करना चाहती तो अभी कह दीजिए, मैं कोई बहाना बना दूंगा। मैंने सोचा, जिस लड़के ने कभी मुझे देखा नहीं, कभी मुझसे मिला नहीं, वो सिर्फ अपने भाई के कहने पर यहाँ आ गया। जो इंसान अपने भाई से इतना प्यार करता है वो अपने बीवी बच्चों से कितना प्यार करेगा। सो मैंने शादी के लिए हाँ कह दी, पापा भी मान गए थे। तभी यशी ने कहा, जानती हो वो लड़का कौन था जो शादी की बात करने आया था? करण।
शादी के वक्त पापा को पता चला कि बड़े पापा ने वो जमीन इसीलिए बेची थी ताकि वो करण भाई की गुड बुक्स में आ सके और वो मोनिका की शादी दोनों भाइयों में से किसी एक से करवा सके। लेकिन ये हो नहीं पाया। जब उन्हें पता चला कि मेरी शादी यश से हो रही है तब उन्हें बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अभी भी उनके पास एक मौका था, करण भाई। शादी में मोनिका करण भाई के आगे पीछे घूमती रही लेकिन करण ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो इरिटेट हो चुके थे इसीलिए उसके बाद वो कभी बनारस गए ही नहीं। लेकिन बड़े पापा ने भी अपनी कोशिश जारी रखी। 3 साल पहले जब हम बनारस गए थे वाणी के मुंडन के लिए, तब उन्होंने लगभग यश को शादी के लिए मना ही लिया था, लेकिन तभी करण भाई ने हमें तुम्हारे बारे में बताया और तुम दोनों एक हो गए। लेकिन करण भाई मोनिका का जुनून बन चुका था और उस जुनून की आग में घी डालने का काम बड़े पापा और बड़ी माँ ने किया। मोनिका ने शादी नहीं की, तभी यशी ने कहा, बस यही वजह है कि करण भाई बनारस नहीं जाना चाहता क्योंकि उन्हें मोनिका का पागलपन नहीं झेलना। भाभी आप करण को भाई क्यों बोलते हो जबकि उन्होंने शादी के वक्त कहा था कि उन्हें भाभी के साथ साथ माँ भी मिल जाएगी। वो तो मैंने उनसे कहा था कि मैं उनसे छोटी हूँ, सो वो यश के साथ साथ मेरे भी भाई हुए ना। ओ चलो अब बहुत बातें हो गई, शाम को निकलना है, दवाई ले लेना, कायू को ट्रैवलिंग सूट नहीं करती। जी। बनारस में सभी लोग बनारस के लिए निकल चुके थे। बनारस ये नाम सुनते ही दिमाग में एक चीज आती है, महादेव की नगरी। कोई इसे वाराणसी कहता है तो कोई बनारस, कोई काशी कहता है तो कोई महादेव की नगरी, लेकिन इसे हम में से कई लोग एक और नाम से जानते हैं, प्रेम की नगरी। गंगा नदी के तट पर बसे इस शहर में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। इसे दीपों का शहर भी कहते हैं। इसकी स्थापना महादेव ने 5000 वर्ष पूर्व की थी। महाभारत काल में पितामह भीष्म ने अपने भाई विचित्र वीर्य के विवाह हेतु काशी नरेश की तीनों कन्याओं का अपहरण किया था। इसी कारण काशी और हस्तिनापुर में शत्रुता हो गई थी। कर्ण ने भी दुर्योधन के लिए काशी राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण किया था। इस कारण काशी नरेश ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। यहाँ करीब 3000 मंदिर और 88 घाट हैं। घाटों में सबसे प्रमुख है 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और दश अश्वमेध घाट। और भी कई घाट है जो बनारस की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। प्रेम महादेव की नगरी में रहकर कोई प्रेम से अछूता रहे ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ की हवाओं में इश्क बहता है। प्रेम तो महादेव ने किया था माता पार्वती से। सती का शरीर त्याग, महादेव का क्रोध, माता पार्वती का इंतजार, निश्चल प्रेम और अंततः उनका मिलन। हर कसौटी पर खरा उतरता है उनका प्रेम, तभी तो आज भी लड़कियां अपने लिए महादेव सा वर मांगती हैं। बस एक बार दिल से बनारस आकर देखो, बनारस तुम्हारे दिल में न बस जाए तो कहना। प्रेम का प्रतीक लैला मजनू, हीर रांझा और रोमियो जूलियट को मानते होंगे, ताजमहल को प्यार की निशानी, पर हमारे लिए तो प्रेम का प्रतीक महादेव है और प्यार की निशानी राम सेतु है। महादेव ही तपस्या है और महादेव ही प्रेम है। ना कोई हुआ है ना कभी हो सकेगा महादेव सा। सभी लोग जैसे ही यशी के घर पहुंचे, एक लड़की आई और करण से लिपट गई। काव्या को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए वो कायरा को लेकर यशी के साथ अंदर चली गई, जो करण ने देख लिया था। करण उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से में बोला, बिहेव योरसेल्फ मोनिका, और हाँ एक बात याद रखना, मुझसे दूर रहो। ये बोलकर करण काव्या के पीछे चला जाता है। मोनिका खुद से कहती है, तुमसे दूर तो मैं रह नहीं पाऊंगी करण, पर हाँ तुम्हारी इस बीवी को जरूर तुमसे दूर कर दूंगी। करण सभी से मिलने के बाद अपने कमरे में आता है और अपने कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में घुस जाता है। जब वो नहाकर आता है तो देखता है काव्या ने कायू को अपने सीने पर सुला रखा था, धीरे धीरे उसे धमकी दे रही थी। करण उसके पास जाता है और आहिस्ता से कायू को गोद में लेकर कायू को बगल में लेटा देता है और खुद काव्या को अपनी बाहों में ले लेता है। काव्या भी शांति से अपना सर उसके सीने पर रख देती है। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। करण हल्का सा उसके माथे को चूमता है और फिर उसे वहीं लेटाकर कायरा की दूसरी तरफ आकर लेट जाता है और काव्या के बालों में हाथ घुमाने लगता है। जब काव्या सो जाती है तब करण खुद से कहता है,
मेरी काव्या को तकलीफ देने वाले रास्ते पर बड़े हर कदम उस इंसान को उसकी मौत की तरफ ले जाएगा। तुम्हारे लिए यही सही होगा मोनिका कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी वजह से अगर किसी को भी जरा सी भी तकलीफ हुई, चाहे वो काव्या हो या भाभी, तो इस बार मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। भाग 12। शाम का समय, मोनिका बिना नॉक किए हुए करण के कमरे में घुस जाती है। उस वक्त काव्या साड़ी पहन रही थी और करण कायरा के साथ खेल रहा था। अचानक से मोनिका को यहाँ देखकर उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के कमरे में बिना नॉक किए नहीं जाते? तभी मोनिका ने कहा, सॉरी करण, मैं भूल गई थी कि अब तुम्हारी शादी हो गई है। मेरी शादी 3 साल पहले हो चुकी है, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करो, करण ने कहा। मोनिका ने कहा, नाइस जोक करण। वैसे ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, ये कुर्ता तुम अभी गंगा आरती के समय पहनना। ये बोलकर वो एक बैग करण की तरफ बढ़ा देती है। करण उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक लाइट येलो कलर का कुर्ता था। थैंक्स बट नो थैंक्स, मेरा कुर्ता ऑलरेडी काव्या निकाल चुकी है, मैं वही पहन रहा हूँ, तुम इसे ले जा सकती हो। ये बोलकर करण कुर्ता वापस मोनिका को पकड़ा देता है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस जाता है। मोनिका पैर पटकते हुए कमरे से निकल जाती है। शाम को सभी लोग तैयार होकर नीचे आते हैं। करण, काव्या और कायरा ने एक जैसे लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, वहीं यश, यशी और वाणी ने हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे। सभी लोग दशाश्वमेध घाट पहुंचते हैं। वहां की गंगा आरती सभी को एक साथ ही शांति प्रदान कर रही थी। करण और यश की गोद में कायरा और वाणी थी और उनकी बाई तरफ उनकी पत्नियां खड़ी थी। वहां गंगा आरती चल रही थी। आरती के बाद सभी लोग घर वापस आ गए। युवराज, यशी का भाई की शादी उसकी रस्में कल से शुरू होने वाली थी। सभी आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। मोनिका का कमरा, मोनिका खुद से कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उस काव्या में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। करण, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें पाकर रहूंगी, बाय हुक और बाय क्रुक। अगले दिन करण के कमरे में करण चिल्ला रहा था, आ मम्मा, मर गया, बचाओ। घर के सभी लोग दौड़कर उसके कमरे में आए और करण को देखकर सबकी हंसी निकल गई। कायरा करण के ऊपर बैठी थी और करण को अपने छोटे छोटे हाथों से मार रही थी। काव्या ने जल्दी से जाकर कायरा को उसके ऊपर से उठाया और करण से कहा, ये क्या कर रहे हो आप, और ऐसी कौन चिल्लाता है, सब कितना डर गए थे। सॉरी सॉरी, पर हुआ क्या था, काव्या ने पूछा। अरे कुछ नहीं, कायू बैठकर यही खेल रही थी और मैं सो रहा था, जब मैं उठा तो उसके गाल पर किस किया तो ये मुझे डांटने लगी और मुझे चिढ़ाने लगी क्योंकि मैं नहाया नहीं था। बस फिर क्या, मैंने 2-4 किस और कर दिए, बस ये चढ़ गई और मेरे ऊपर चढ़कर मारने लगी। हद है आप दोनों बाप बेटी का भी, जाइए जाकर तैयार हो जाइए, नीचे इतना काम है और इन लोगों को मस्ती सूझ रही है। करण कायरा की तरफ देखता है और आंखों से कुछ इशारा करता है। इशारा पाते ही कायरा काव्या का चेहरा अपने नन्हे हाथों में लेकर उसकी नाक पर किस कर देती है और अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, माँ। काव्या का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। तभी करण सॉरी कहता है। काव्या ने कहा, माफ किया, चलिए चलकर तैयार हो जाइए। करण तैयार होने चला जाता है। इधर हल्दी के समय सभी लोग युवराज को हल्दी लगाने के बाद हल्दी की होली खेल रहे थे। बस मोनिका, काव्या और करण बचे थे। मोनिका चाहती थी करण उसे हल्दी लगाए। काव्या कायरा को लेकर रूम में थी क्योंकि उसकी तबीयत जरा खराब थी और करण उसे हल्दी पसंद नहीं थी। मोनिका करण के पास जाती है और उसे कहती है, करण आज तो हल्दी लगाने दोगे ना, यशी की शादी में तो तुमने मना कर दिया था। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, इसीलिए दूर रहो। मोनिका उसकी एक नहीं सुनती और करण को हल्दी लगाने के लिए जैसे आगे बढ़ती है, यशी वहां आ जाती है और मोनिका को हल्दी लगा देती है, जिस वजह से मोनिका को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या किया तुमने, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे हल्दी क्यों लगाई। करण उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, आवाज नीचे, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी भाभी से इस तरह से बात करे, और रही बात हल्दी की तो अभी तुम मुझे खुद हल्दी लेकर मेरे पास आई थी।
इसीलिए अपना मुंह बंद रखो और अगर हल्दी से इतनी प्रॉब्लम है तो जाकर नहा लो। मोनिका पैर पटक कर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद करण कहता है, थैंक्स भाभी, इट्स ओके। और हाँ, ये हल्दी काव्या को दे दीजिएगा। है कहाँ वो? कमरे में है, कायू को उल्टी हो रही है इसीलिए उसी के साथ है। ठीक है, मैं देखता हूँ। इधर करण के कमरे में, करण अंदर आते हुए कहता है, काव्या काव्या। इसके आगे के शब्द उसके गले में अटक जाते हैं क्योंकि सामने काव्या पीले रंग की साड़ी में उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। करण की आवाज सुनकर वो पीछे पलटती और कहती है, करण आप कब आए? इधर करण होश में आते भी कहता है, अभी वो भाभी ने ये देने को कहा था। कायू कहाँ है? माँ उसे ले गई है। ठीक है ना वो? हाँ ठीक है। तुम क्या कर रही हो? वो हल्दी तो हो गई है, कपड़े बदलने जा रही थी लेकिन इस डोरी में गांठ लग गई है, वही खोलने की कोशिश कर रही हूँ। करण उसके पास आते हुए कहता है, मैं कर देता हूँ। ये बोलकर वो काव्या की डोरी खोलने की कोशिश करता है लेकिन जब नहीं खुलती तो वो अपने दांत से खोलने लगता है। इस वजह से करण के होंठ काव्या की पीठ को छू रहे थे। काव्या की आंखें बंद हो जाती है। जैसे ही करण डोरी खोलता है उसकी नजर आंखें बंद करके खड़ी काव्या पर जाती है। करण बगल में पड़ी कटोरी से हल्दी लेकर काव्या के पेट पर लगा देता है। जैसे ही करण के ठंडे हाथ काव्या के पेट को छूते हैं, काव्या करण का हाथ पकड़ लेती है। करण उसे अपनी ओर घुमाता है और फिर उसके गले से होते हुए उसके हाथों तक हल्दी लगा देता है। उसका ऐसा करने पर काव्या उसका हाथ पकड़ कर कहती है, ये हमारी हल्दी नहीं है करण। करण उसे कमर से पकड़ कर खुद से सटा लेता है और उसके कान को अपने होठों से छूते हुए कहता है, जानता हूँ लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। किसने कहा था इतना खूबसूरत लगने को? ये बोलकर वो अपने हाथों पर लगी हल्दी उसके गालों पर लगा देता है और उसके गालों पर अपने गाल सटाते हुए कहता है, लव यू काव्या। आई लव यू टू करण। करण उसका चेहरा अपने हाथों में भर कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों दुनिया भर से बेखबर एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। जब थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं तो काव्या अपनी सांसों का कंट्रोल करते हुए कहती है, करण छोड़िए मुझे नहाना भी है, भाभी ने नीचे बुलाया है, तो चलो नहाते हैं। काव्या कुछ कहती उसके पहले करण उसे गोद में उठा लेता है और बाथरूम में ले जाता है और शावर ऑन कर देता है। अंदर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए प्यार की बारिश में भीग रहे थे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।